स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एक लव स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड का टेस्ट। और यह हमारा हिस्ट्री का टेस्ट है सेकंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्यूसडे को हम हिस्ट्री का टेस्ट लेते हैं और सैटरडे को हम पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट लेते हैं। तो आज जैसे कि ट्यूसडे है तो आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं और सेकेंड चैप्टर का टेस्ट है। चले शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर और ये जो हमारा टेस्ट है ये हमारा सेकंड टेस्ट है। दो नंबर के क्वेश्चन है हमारे सामने। तीन क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है अभिलेख किसे कहते हैं। साफ सुथरा लिखना है, अच्छे से लिखना है, बताना है आपको अभिलेख किसे कहते हैं। श्रेणी का क्या, श्रेणी क्या थी, श्रेणी इसका एक और नाम था, मैं आपको यहाँ नहीं बताना चाह रहा, चलो आप आंसर में दो मुझे श्रेणी क्या था और इसका काम क्या था। बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरा है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी और किसकी सहायता से की थी, किसी ने सहायता भी करी थी उसकी स्थापना में, आपको उसका नाम बताना है। चार नंबर का क्वेश्चन है जेम्स प्रिंसेस जो थे वो कौन थे, हमें ये बताना है। और भारतीय इतिहास लेखन में उनका क्या योगदान रहा है, तो आप ये बता सकते हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली जनपद क्यों था, ठीक है, रीज़न बताने हैं, पॉइंट में लिखना ईजी सा और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत लिखना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो किसान लोग थे वो अपनी फसल को बढ़ाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए कौन से तरीके अपनाते थे, आपको ये बताना है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें के प्रमुख स्रोतों को विस्तार से लिखो, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसके प्रमुख स्रोत क्या थे, कौन से उसके प्रमुख स्रोत थे, आपको ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख जो सबूत हैं, अभिलेख जो साक्ष्य हैं उनकी सीमाओं की परख करना। यानी अभिलेख से हमें इतिहास के बारे में पता तो लगता है लेकिन उनमें कुछ कमियां हैं, सीमाओं का मतलब उसकी लिमिटेशन बतानी है, उसकी कमियां बतानी है, हमको ये बतानी है। तो दोस्तों यहां से हमारा ये 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो गया। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, 2 क्वेश्चन 8 नंबर के हैं और 3 क्वेश्चन 4 नंबर के हैं और 3 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। तो सिंपल पेपर है बिल्कुल, मेहनत से करो, दिल से करो, अच्छे से करो बिल्कुल, ठीक है। देखते हैं कौन है 4, 5, 6 बच्चे जो बहुत अच्छा आंसर लिख के भेजेंगे। तो जो कल शाम 6 बजे तक का टाइम है आपके पास मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। और हो सकता है कोई नया बच्चा उसके पास नंबर ना हो तो मैं यहाँ पे आपको अपना नंबर दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से क्योंकि आज मैं टैबलेट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ लिखने में। 9868 4961 and 91 ये मेरा नंबर है, आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप में मैसेज करके बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।